हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 2010 की आई हुई हॉरर फिल्म लेट मी इन के बारे में, जो कि एक्चुअल में रीमेक है 2008 में आई हुई स्वीडन फिल्म लेट द राइट वन इन की। और वो फिल्म भी अपने टाइम की एक काफी फेमस फिल्म है, जिसे शामिल किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट वैम्पायर फिल्म में। और इसी डिमांड के बाद इस फिल्म का 2010 में रीमेक किया गया, जिसकी स्टोरी और फिल्म को डायरेक्ट करने का काम मैट रीव्स ने उठाया था। और सच में उन्होंने अपनी राइटिंग से इस फिल्म को पूरी तरीके से बचा लिया। और ये फिल्म इंग्लिश वर्जन में भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, जबकि अगर देखा जाए तो अगर आप दोनों ही फिल्मों की कंपैरिजन करो तो फिल्म में अगर किसी चीज का फर्क है तो वो है फिल्म के बजट का, जो हमें लेट मी इन फिल्म में साफ साफ नजर आता है। और वही बात करें 2008 में आई हुई फिल्म द राइट वन इन की, तो इस फिल्म को ज्यादा रियल रखने की कोशिश की गई थी, हाँ उस कैट अटैक के सीन को छोड़ दिया जाए तो। अगर फिल्म के प्लॉट की बात की जाए तो दोनों ही फिल्मों के प्लॉट बिल्कुल सेम है, बस कुछ इंसिडेंट्स बदल दिए गए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वो दोनों डिफरेंसेस भी समझा दूंगा, ताकि आपको इन दोनों ही फिल्मों के बारे में पता रहे। खैर, तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। खैर, तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1983 से, और जगह है न्यू मेक्सिको की लॉस अल्मोस, जहां पर हमें एक एम्बुलेंस दिखाई जाती है, जिस एम्बुलेंस को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, क्योंकि उस एम्बुलेंस के अंदर जो शख्स है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद वो शख्स हमें सीधे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां पर उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी आए हैं, जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर आगे आकर बाद में उस शख्स से पूछताछ शुरू करता है, जैसे कि उसका नाम क्या है और क्या वो किसी कल्ट के लिए काम करता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन वो उस पुलिस ऑफिसर को कर दे, क्योंकि जो शख्स पलंग पर पड़ा है वो बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद नर्स आकर पुलिस ऑफिसर को ये बताती है कि नीचे रिसेप्शनिस्ट पर जो नर्स बैठी है वो आपसे अर्जेंट बात करना चाहती है। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस नर्स से बात करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो शख्स इस हॉस्पिटल में लाया गया है काफी बुरी हालत में, उसकी बेटी नीचे उसकी इंक्वायरी के लिए आई है, लेकिन अचानक से वो कहीं पर गायब हो गई। और इसी बीच हम उस पेशेंट को देखते हैं, तो वो पेशेंट पेन से पहले कुछ लिखने का सोचता है, लेकिन उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब वो नर्स जाकर उस पेशेंट के कमरे में देखती है तो उस शख्स ने आत्महत्या कर ली है बिल्डिंग से नीचे कूदकर, मानो जैसे वो किसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। बट मरने से पहले उस शख्स ने उस कागज पर लिखा हुआ है सॉरी एबी, और उसके बाद ये कहानी सीधे 2 हफ्ते पीछे जाती है, जिसमे हम देखते हैं ओवन नाम के बच्चे को, जो अपनी माँ के साथ में रहता है। और उसकी कुछ ही देर बाद हमें ये पता चल जाता है कि ओवन की मॉम और उसके फादर का जल्द ही डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि उन दोनों के बीच अब रिश्ते ज्यादा ठीक नहीं रहते, जिसका बुरा असर अब ओवन पर भी पड़ा है, क्योंकि एक हिसाब से ओवन की मॉम अब ओवन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिस वजह से ओवन थोड़ा डिप्रेशन में रहता है। यहाँ तक कि वो नाइफ लेकर किसी को डराने की भी कोशिश करता है, वो भी खुद को आईने में देखकर, मानो जैसे ओवन अंदर ही अंदर घुट रहा हो। और इसी बीच ओवन अपने घर की दूरबीन से बिल्डिंग के पड़ोसियों को भी देखता है, जिनमें से एक बॉडी बिल्डिंग का शौक रखता है और दूसरे दो कपल आपस में लड़ते झगड़ते या फिर प्यार करते। और जो उस घर की औरत है जिसका नाम विर्जीनिया है, उसने नोटिस भी किया है कि ओवन उनके घर में झांकता है, जिससे ओवन थोड़ा डर सा गया है। लेकिन उसी रात ओवन के अपार्टमेंट में एक बूढ़ा शख्स अपनी बेटी को लेकर आता है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा बक्सा भी होता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि उस बच्ची ने अपने पैरों में कोई भी शूज या फिर स्लीपर नहीं पहनी, और उसके पैर काफी गंदे है। और अब एक्चुअल में वो दोनों ओवन के पड़ोसी है। और फिर अगली सुबह आ जाए स्कूल में, तो स्कूल में भी ओवन अपने में ही खोया रहता है, वो ज्यादातर बच्चों से बात नहीं करता और ना ही उनके साथ खेलता है। यहाँ तक कि स्विमिंग क्लासेस के दौरान भी वो स्विमिंग पूल में नहीं उतरता, जो चीज उसके टीचर मिस्टर जोरिक ने भी कभी कभी महसूस की है। और अब स्कूल होगा तो स्कूल में शरारती बच्चे भी होंगे, और यहाँ पर भी 3 बच्चे काफी ज्यादा शरारती है, जिनमें से उनका लीडर है कैनिन और बाकी 2 बच्चों का नाम है मार्क और लेनकी, जो हर वक्त कैनिन का सपोर्ट करते हैं। और अब यहाँ पर कैनिन एक लड़की को बुली करता है, जिस वजह से उसके टीचर कैनिन को सजा भी देते हैं। और इसी बीच कैनिन ये भी नोटिस करता है कि उसे सजा मिलने पर ओवन हंस रहा था, यानी अब अगली बारी ओवन की है, तब जब ओवन उन लोगों को अकेला मिल जाता है, जिसके बाद वो लोग उसे बुली करते हैं। और इसी दौरान ओवन अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर देता है, जिसके बाद वो लोग उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं, और ओवन बस वहाँ पर पड़ा हुआ रोता ही रहता है। और फिर उसी दिन ओवन स्टोर में से एक छोटी सी नाइफ भी खरीदता है, जिसे वो उसी रात अपने अपार्टमेंट के गार्डन में टेस्ट करता है, जिसे टेस्ट करते वक्त उसे वहाँ पर एबी देखती है। और ओवन के पास आकर एबी ये कहती है कि अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो वो कभी भी उसकी दोस्त नहीं बनेगी, जिसके बाद एबी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और ओवन बदले में ये कहता है कि तुम्हारा दोस्त बनना भी कौन चाहता है। और इसी बीच ओवन की नजर एबी के पिता पर भी पड़ती है, जो उन दोनों को नोटिस करते हैं। और उसके बाद
बाद हम देखते हैं कैबी के पिता एक मॉल के बाहर किसी का वेट कर रहे हैं, वो भी उसकी कार की पिछली सीट में बैठकर, जहां पर उन्होंने अपने चेहरे पर प्लास्टिक बैग डाला हुआ है। और फिर जैसे ही वो शख्स आकर कार में बैठता है और उस कार को लेकर वो एक रेलवे क्रॉसिंग ट्रैक पर पहुंचता है, कैबी के पिता उस शख्स को बेहोश कर देते हैं और उसे एक जंगल में ले जाते हैं, जहां पर वो उसे पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी गर्दन में नाइफ मारते हैं और उसके पूरे के पूरे खून को एक बोतल में जमा कर लेते हैं, जिसे भरने के बाद वो जैसे ही उस बोतल को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उनका पैर एक गड्ढे में फंसता है, जिस वजह से वो बोतल वहां से सीधे आकर नीचे गिरती है, जिस वजह से काफी सारा खून भी बह जाता है। जिसके बाद एबी के पिता उस थोड़े से ही खून को लेकर उस सिचुएशन से भाग जाते हैं, क्योंकि सामने से एक और कार आ रही थी। और दूसरी तरफ ओवन जब अपने बेडरूम में होता है तो उसे एबी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है, मानो जैसे एबी अपने पिता पर जोर जोर से चिल्ला रही है कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कैसे। जिसके बाद उसके पिता उसे ये कहते हैं कि अब वो थक गए हैं ये सभी चीजें कर और अब वो ये सारी चीजें और नहीं करना चाहते क्योंकि वो बूढ़े हो रहे हैं। जिसके बाद एबी काफी गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर अगले दिन स्कूल में कुछ पुलिस वाले आए हुए हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो शख्स मारा था वो एक्चुअल में एक स्टूडेंट था। और इस मीटिंग के बाद प्रिंसिपल सभी के सभी बच्चों को जमा कर उन्हें घर पर सेफ रहने की सलाह देते हैं और ज्यादा रात के वक्त बाहर निकलने के लिए मना करते हैं। और फिर उसी रात ओवन अपने घर के गार्डन में बैठकर क्यूब पजल को सॉल्व कर रहा होता है, जिसके बाद वहां पर एबी आती है जो उस क्यूब में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। जिसके बाद ओवन उसे क्यूब देता है और ये कहता है कि वो उसे सॉल्व कर उसे बाद में दे दे। जिसके बाद ओवन वहां से चला जाता है। और इसी बीच एबी की हालत थोड़ी खराब हो जाती है, मानो जैसे उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। और उसके बाद अगले सीन में ही हम देखते हैं एक टनल को, जिस टनल के अंदर एक शख्स भागता हुआ आता है और उसी टनल में उसे एबी भी मिलती है, जो शख्स को ये बताती है कि उसका पैर टूट गया है और वो चल नहीं सकती, इसलिए अगर वो शख्स उसे उठाकर उसके घर तक छोड़ देगा तो काफी अच्छा होगा। जिसके बाद वो शख्स एबी को उठाता है, लेकिन देखते ही देखते एबी उस शख्स पर हमला कर देती है और उसका खून पीने लग जाती है। जिसके बाद हमें एबी का असली रूप दिखाया जाता है, जो कि असल में एक वैम्पायर का है। और फिर उसके बाद एबी जैसे ही उस शख्स का खून पी लेती है तो वो उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद एबी ने जाकर अपने पिता को सब कुछ बता दिया, जिस वजह से एबी के पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, जो एबी को डांटते हुए ये कहते हैं कि उसने घर के पास इतने नजदीक उस शख्स को क्यों मारा, इससे वो लोग पकड़े जा सकते हैं। जिसके बाद एबी के पिता काफी गुस्से में कमरे से बाहर निकलते हैं और उस लाश को ठिकाने लगाते हैं उसी टाउन के एक छोटे से रिवर में डालकर। लेकिन इस बीच उस मरे हुए शख्स की डेड बॉडी पानी में नहीं डूबती, जिसके बाद एबी के पिता उस ब्रिज के फेंस को तोड़ते हैं और एक रॉड निकालकर उस लाश को पानी में डुबाकर वहां से भाग जाते हैं। और अगली सुबह जब ओवन स्कूल के लिए निकलता है तो वो ये नोटिस करता है कि उसके क्यूब का पजल सॉल्व एबी ने कर दिया है। जिसके बाद ओवन रात के वक्त फिर से एबी से मिलता है और ये पूछता है कि उसने किस तरीके से इतनी जल्दी इस पजल को सॉल्व किया, जिसके जवाब में एबी ये कहती है कि उसे पजल सॉल्व करना बहुत ज्यादा पसंद है, यानी अब इन दोनों की दोस्ती हो गई है। और दूसरी तरफ आ जाए क्लास में तो क्लास में ओवन मॉरिस कोड लिख रहा है, यानी मॉरिस अपनी ही धुन में खोया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ केन इन बच्चों को परेशान कर रहा है, जिसने अब ओवन को नोटिस किया है क्योंकि ओवन क्लास में बैठे बैठे खुद ही में हंस रहा है, जो चीज केनिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जिसके बाद केनिन टॉयलेट में ओवन का पीछा करता है और उसे जबरदस्ती ये पूछता है कि उसने क्या लिखा है जिसे लिखकर वो इतना ज्यादा खुश हो रहा था। जिसके बाद ओवन केनिन को कुछ भी नहीं बताता और इसी के चलते केनिन ओवन को मारता भी है, वो भी सिर्फ उसके कपड़ों के ऊपर से। लेकिन केनिन का गुस्सा यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक छोटी सी छड़ी ओवन के मुंह पर दे मारता है, जिस वजह से ओवन के चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं जख्मों के। जिसके बाद केनिन उसे ये धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर किसी ने उससे पूछा कि ये निशान उसे कैसे पड़ा तो वो लोगों से ये कह देगा कि खेलते वक्त वो गिर गया था। और ओवन भी डरकर अपने घर में यही बात कहता है, पर उसकी मॉम को फिलहाल तो इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन ओवन सब कुछ सच सच एबी को बता देता है कि स्कूल में उसे कुछ बच्चे बुली करते हैं जिनसे वो एक हिसाब से बहुत ज्यादा डरता है। जिसके बाद एबी उसे ये कहती है कि अगर वो उसे मारते हैं तो उसे भी चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि डटकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। जिसके बाद एबी ओवन से ये भी पूछती है कि क्या उसे उसकी मदद चाहिए या नहीं। जिसके बाद ओवन ये कहता है कि वो एक लड़की है और वो इन सब में उसकी मदद नहीं कर सकती। जिसके बाद एबी उसे ये कहती है कि वो सिर्फ एक लड़की नहीं। और यहाँ पर ओवन एबी को वो कोड भी देता है जिसकी मदद से वो कमरे में बैठे आपस में बातें कर सकते हैं। जिसके बाद एबी उससे ये कहती है कि क्या वो कमरे में जब बात करती है तो उसे सब कुछ सुनाई देता है, जिसके जवाब में ओवन हाँ कहता है। और फिर वो दोनों अपने घर पर चले जाते हैं, जिसके बाद एबी अपने पिता को डांटती है और पलंग पर से हटने के लिए कहती है। जिसके बाद उसके पिता नोटिस करते हैं कि ओवन यहाँ पर दीवार को नॉक कर पड़ोसी के उस बच्चे से बात कर रही है, और अब ओवन अपनी मॉम के पर्स से पैसे भी चुराने लगा है। जिसके बाद वो एबी को घुमाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो लोग वीडियो गेम खेलते हैं। और उसके बाद ओवन एक अच्छी चॉकलेट निकालकर एबी को खाने के लिए देता है, जिसे खाने के बाद एबी उल्टियाँ करती है, क्योंकि एबी ये सब नहीं खा सकती, उसे बस चाहिए इंसानों का खून जिससे वो जिंदा रहती है। और उसके बाद ओवन को उसकी मॉम
मॉम आवाज देकर घर पर बुलाती है और ये कहती है कि उसने उसे ढूंढा था तो वो गया कहाँ पर था। जिसके बाद ओवन अपनी मॉम को ये कहता है कि वो इसी गार्डन में खेल रहा था, बस उसकी मॉम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद उसकी मॉम उसे अंदर आने के लिए कहती है। वेल, इससे हमें ये पता चलता है कि ओवन की मॉम बहुत ही ज्यादा केयरलेस है। और दूसरी तरफ आ जाए एबी के घर पर, तो एबी अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है कि वो फिर से किसी को मारने जा रहे हैं। जिसके जवाब में उसके पिता कहते हैं कि दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। और हम देखते हैं कि एबी के पिता ने एक एसिड बॉटल भी अपने पास रखी हुई है। जिसके बाद एबी अपने पिता के और करीब जाती है और उन्हें सहारा देती है। जिसके बाद एबी के पिता एबी का हाथ पकड़कर अपने गाल पर रखते हैं और उससे ये प्रॉमिस मांगते हैं कि वो उस बच्चे से दूर रहे। जिसके जवाब में एबी अपना हाथ खींचकर वहां से चली जाती है और एबी के पिता भी फिर से अपने काम पर लग गए हैं, यानी लोगों को मारने का काम, ताकि वो एबी के लिए खून ला सके। और अब पहले की ही तरह एबी के पिता एक शख्स की कार में बैठ चुके हैं। जिसके बाद वो शख्स आकर अपनी कार में बैठता है, लेकिन गड़बड़ यहाँ पर ये हो जाती है कि उस शख्स का दोस्त भी वहाँ पर अचानक से आ जाता है, जो उस कार में बैठ जाता है। जिसके बाद वो दोनों गैस स्टेशन पर जाते हैं, जिनमें से एक शख्स उतरकर गैस स्टेशन की तरफ जाता है ताकि वो बिल पे कर सके, और दूसरा शख्स कार में ही बैठे बैठे गाने सुनता है। जिसके बाद वो अपनी सीट को एडजस्ट करता है और अपने बैग में से कुछ सामान निकालने के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर वो ये नोटिस करता है कि पीछे एक शख्स लेटा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो शख्स कुछ करे, उससे पहले ही एबी के पिता उठकर उसे दबोच लेते हैं और क्लोरोफॉर्म निकालकर उस शख्स को बेहोश भी कर देते हैं। और दूसरी तरफ कार का ओनर शॉप के अंदर ही है, जो ये सारी चीजें नोटिस नहीं करता। और जैसे ही वो शख्स बाहर निकलने वाला होता है, तो उसके और दोस्त उसे वहीं पर रोक लेते हैं। और इस बीच एबी के पिता को टाइम मिल जाता है कि वो कार लेकर वहां से जल्द भागे, लेकिन कार रिवर्स लेने के कारण वो सही से ड्राइव नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट होता है और कार पलटी होकर सीधे नीचे की तरफ गिरती है रोड से हटकर, जिसमें अब वो शख्स और एबी के पिता पूरी तरीके से फंस गए हैं। और वो कार ओनर अपने बाकी दोस्तों के साथ जल्द से जल्द अपनी कार की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है। और अब ये चीज एबी के पिता ने भी नोटिस की है, जिसके बाद वो एसिड बॉटल निकालकर अपने पूरे चेहरे पर डाल लेते हैं ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। और दूसरी तरफ एबी उसी दीवार से लेटे ओवन से उस कोड में बात करती है, जिसके बाद उसे रेडियो पर ये पता चलता है कि उसके पिता के साथ कुछ बुरा हुआ है। और वो सीधे पहुंच जाती है हॉस्पिटल में, जहां पर वो एक नर्स से बात कर ये पूछती है कि अभी जिस शख्स को लाया गया है उसे कितने फ्लोर पर रखा गया है, क्योंकि वो उसकी बेटी है। जिसके बाद वो नर्स उसे ये बताती है कि वो उसके पिता से मिल नहीं सकती, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी है और वो एक कैदी है। और ये सुनने के बाद एबी सीधे वहां से चली जाती है और वो नर्स एबी के उन्हीं गंदे पैरों को नोटिस करती है, जिसके बाद वो भागकर एबी के पास जाती है, लेकिन तब तक एबी वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम नोटिस करते हैं कि एक्चुअल में एबी उस हॉस्पिटल के थर्ड फ्लोर पर है, वो भी बिना किसी सहारे के, और एबी यहां से सीधे अपने पिता को मिलने पहुंच जाती है, जिनका चेहरा पूरी तरीके से जल चुका है और अब वो बात करने की हालत में नहीं है। जिसके बाद एबी के पिता खुद आगे आकर एबी को अपना खून ऑफर करते हैं। जिसके बाद एबी अपने पिता का खून पीती है और इसी बीच उसके पिता उस हॉस्पिटल की खिड़की से नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। यानी ये कहानी फिल्म के स्टार्ट के उसी सीन पर आ गई है, जिसमें हमें बताया गया था कि दो हफ्ते पहले एक्चुअल में क्या हुआ, और अब हमें पता चल गया यहाँ पर। लेकिन उस टाइम पर हमें ये नहीं बताया गया था कि एबी गई कहाँ पर, क्योंकि जब वो पुलिस ऑफिसर उस खिड़की में से एबी के पिता की लाश को देख रहा था, तो एबी भी उस खिड़की के दूसरी तरफ छुपी हुई थी। जिसके बाद एबी वहां से कूद कर या फिर मानो उड़कर चली गई, और वो यहां से सीधे ओवन की खिड़की के पास पहुंचती है, जिसे नॉक कर वो ओवन से अंदर आने की परमिशन मांगती है, क्योंकि वो बिना परमिशन के किसी के भी घर में ऐसे घुस नहीं सकती, खास करके ओवन के, क्योंकि ओवन और एबी के बीच एक अलग ही कनेक्शन बना है। और अब एबी यहां पर पूरी तरीके से टूट चुकी है, जिसके बाद वो ओवन के पास लेट जाती है अपने पूरे कपड़ों को निकाल कर, और ओवन ये चीज महसूस करता है कि एबी उसके बाजू में पूरी नेकेड लेटी हुई है और उसका शरीर पूरी तरीके से ठंडा है, मानो जैसे कि वो एक जिंदा लाश है। जिसके बाद एबी यहां पर भी यही कहती है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़की से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके पहले ओवन एबी को उसकी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर करता है ताकि वो दोनों साथ मिलकर स्कूल जाए। जिसके बाद एबी ओवन से ये भी पूछती है कि क्या स्कूल में कुछ खास सिखाया जाता है। जिसके बाद ओवन ये कहता है कि स्कूल बहुत ही ज्यादा खास होता है, बट एबी स्कूल नहीं जा सकती। और फिर जैसे ही सुबह होती है, तो ओवन ये नोटिस करता है कि एबी उसके कमरे में नहीं है, और एबी ने विंडो पर एक नोट लिखकर छोड़ा है कि अगर वो नहीं जाती तो वो मर जाती। और फिर स्कूल निकलती है ट्रिप पर, जहां पर सभी बच्चे स्केटिंग करने के लिए आए हुए हैं। और इस बीच ओवन के हाथ एक बड़ा सा रॉड लगता है और ओवन एक पाइप के तरफ खड़ा हुआ है, वही पाइप जहां पर इसके पहले एबी के पिता ने उस शख्स को मारकर पानी में डुबा दिया था, और अब वो जगह पूरी तरीके से जम चुकी है। लेकिन अब यहां पर कैनन और उसके दोस्त फिर से ओवन को नोटिस करते हैं, उसके पास जाकर उसे फिर से बुली करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ओवन के हाथ में रॉड है। जिसके बाद ओवन ये कहता है कि अगर कैनन उसके नजदीक आया तो वो उसे इस रॉड से मारेगा। जिसके बाद कैनन ओवन की इस वार्निंग को इग्नोर करता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद ओवन ना चाहते हुए कैनन को उस रॉड से मारता है, जिसके दौरान कैनन का कान कट जाता है। और अब
ये चीज उनके टीचर जोरिक ने भी नोटिस की है, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन को संभालने के लिए आगे जाते हैं तो सारे के सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो डेड बॉडी दिख गई है, जिसके बाद पुलिस आकर उस डेड बॉडी को उस जमे हुए बर्फ से बाहर निकालती है। और दूसरी तरफ स्कूल में ओवन को वार्निंग दी गई है कि अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, यानी ये उसका लास्ट चांस है। और फिर उसी रात वही पुलिस ऑफिसर ओवन के घर पर आता है क्योंकि उनके अपार्टमेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, और ये शख्स वही है जो ज्यादातर तो बॉडी बिल्डिंग करता था। और उसके सिलसिले में वो पुलिस ऑफिसर ओवन की माँ से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, जिसके बाद ओवन वहाँ से चला जाता है सीधे अपने रूम में, जहाँ पर जाने के बाद वो वॉल नॉक कर एबी को बुलाता है। और एबी भी जैसी ही उसकी बातों का जवाब देने के लिए आती है तो इस बीच उसके घर की डोर बेल बजती है, जिसके बाद एबी काफी आराम से जाकर दूरबीन से ये चेक करती है कि दरवाजे के बाहर आया कौन है, जिसके बाद एबी दरवाजा नहीं खोलती। और जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है तब एबी पीछे होती है और इसी बीच उसके पैरों से आवाज आती है, बट तब तक वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन स्कूल में ओवन ये नोटिस करता है कि केनेथ भी अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा डरता है और हर बार उसका बड़ा भाई उसे इसी तरीके से बुली करता है, और ये चीज देखकर ओवन को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और फिर अगली रात ओवन एबी से मिलकर उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है, वो जगह जो इस बिल्डिंग के बेसमेंट में है, जो पूरी तरीके से अबेंडन है, जहाँ पर बिल्डिंग के बड़े बच्चे आकर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं। और ओवन यहाँ पर एबी को कसम दिलाने के लिए लाया है कि वो उसका साथ और उसकी फ्रेंडशिप को नहीं छोड़ेगा, जिसके लिए ओवन अपने हाथों को काटता है। और जैसे ही वो एबी के हाथों को काटने वाला होता है तो हम नोटिस करते हैं कि एबी के हाव भाव पूरी तरीके से बदल गए हैं, जिसके बाद वो ओवन के फर्श पर गिरे हुए खून को चाटती है। और फिर उसके बाद हमें ये लगता है कि वो ओवन को मार डालेगी, लेकिन एबी ऐसा नहीं करती और वहाँ से तुरंत भाग जाती है और भाग कर उसी गार्डन के एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाती है और किसी का वेट करती है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद वो जीनिया और उसका पति लैरी आता है। और अब यहाँ पर एबी को खुद पर कंट्रोल नहीं है, जिसके बाद वो सीधे जीनिया पर हमला कर देती है और उसे काटना शुरू कर देती है। और जैसे ही लैरी एबी को पकड़ने वाला होता है तो एबी वहाँ से भाग कर बड़े से फेंस से कूद जाती है, और फिर तुरंत बाद वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है। और ये चीज अब ओवन ने अपनी आंखों से देखी है, जिसके बाद वो अपने पिता को कॉल कर ये पूछता है कि क्या शैतान रियल होते हैं या नहीं। और ये बात सुनकर ओवन के पिता उस पर भड़क जाते हैं और ये कहते हैं कि वो फोन अपनी माँ को दे, क्योंकि शायद ये बातें उसकी मॉम ने ही उसकी दिमाग में डाली होगी। जिसके बाद ओवन ये कहता है कि मॉम घर पर नहीं है, वो जब आएगी तब आप उनसे बातें कर लेना। जिसके बाद उसके पिता फिर से उसे डांटते हुए ये कहते हैं कि ये बेकार सी चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, क्योंकि ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती। जिसके बाद ओवन रोने लग जाता है और उसके बाद वो सीधे एबी से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है, जहाँ पर दरवाजा खोलने के बाद वह एबी से पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है या नहीं। जिसके बाद एबी उसे अंदर आने की परमिशन देती है, जिसके बाद ओवन एबी से उसकी एज पूछता है कि वो कितने साल की है, और जवाब में एबी उसे 12 साल बताती है, जो वो काफी टाइम से है। जिसके बाद ओवन उसके पिता के बारे में भी पूछता है कि वो कहाँ पर है, और फिर उसके जवाब में एबी ये बताती है कि वो उसके पिता नहीं है। और फिर ओवन डेस्क पर रखी चीजों को देखना शुरू करता है, जहाँ पर उसे काफी सारे पजल्स दिखते हैं, जो पजल्स आज के टाइम के तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी बीच ओवन को एक तस्वीर मिलती है, जिस तस्वीर में उसे एबी एक छोटे बच्चे के साथ में नजर आती है, जिसे गौर से देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में ये बच्चा वही बूढ़ा शख्स है जिसे अब तक ओवन एबी का पिता समझ रहा था। जिसके बाद ओवन सीधे घर से बाहर जाने की जिद करता है, जिसके बाद एबी उसका रास्ता रोक लेती है, जिसके जवाब में ओवन ये कहता है कि क्या वो उसे जाने नहीं देगी और उसके साथ करेगी क्या। जिसके बाद एबी उसका रास्ता छोड़ देती है और उसे ये कहती है कि हम अच्छे दोस्त बने रहते हैं, लेकिन ओवन उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में वर्जीनिया को रखा गया है, जिसकी हालत बहुत ही नाजुक है। और वहाँ पर अब वो पुलिस ऑफिसर पहुंचे हैं, जो वर्जीनिया के हस्बैंड लैरी से कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। जिसके बाद लैरी उन्हें सब कुछ बताता है कि एक छोटी बच्ची ने उसकी वाइफ पर हमला किया। और इसी बीच लैरी को एबी के उस बचपन के दोस्त जॉन की तस्वीर दिखाई जाती है, जिसे देखकर लैरी ये कंफर्म करता है कि ये शख्स उन्हीं की अपार्टमेंट में रहता है। लेकिन इन सबसे भी अजीब हम ये चीज नोटिस करते हैं कि वर्जीनिया का हाव भाव पूरी तरीके से बदल रहा है, जिसके बाद वो अपने हाथों में लगे उस इंजेक्शन को निकालती है और अपने ही ब्लड को पीना शुरू कर देती है। और जैसे ही वहाँ पर नर्स आती है उस रूम की विंडो ओपन करने के लिए, तो विंडो ओपन करते के साथ में ही वर्जीनिया पूरी तरीके से जल जाती है, मानो जैसे एबी के काटने का असर उस पर काफी बुरा हुआ। जिसके बाद वो नर्स भी वर्जीनिया को बचाते हुए वहीं पर जलकर मर जाती है, और ऑफिसर ने ये चीज साफ साफ नोटिस कर ली है। और फिर आ जाए ओवन के घर पर, जहाँ पर ओवन न्यूज देख रहा है, जिस न्यूज में वर्जीनिया की ही बातें चल रही है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर एबी भी आती है। और इससे पहले हमें ये नोटिस करने को मिलता है कि ओवन की मॉम लॉयर से मिलने गई है, यानी ओवन घर पर बिल्कुल अकेला है। जैसे ही ओवन जाकर दरवाजा खोलता है तो एबी दरवाजे के बाहर खड़े रहकर बस ये वेट करती है कि कब ओवन उसे अंदर आने की परमिशन देगा, क्योंकि बिना परमिशन के एबी अंदर नहीं आ सकती। जिसके बाद एबी उससे पूछती भी है कि क्या वो अंदर आ सकती है या नहीं, जिसके जवाब में ओवन ये कहता है कि अगर वो
वो नहीं कहेगा तो फिर क्या कुछ बुरा हो जाएगा। जिसके बाद एबी बिना पूछे ही ओवन के घर में दाखिल हो जाती है, जिसके बाद एबी खड़े खड़े कांपने लगती है, उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद जैसी ही एबी अपने सर को ऊपर उठाती है तो हम नोटिस करते हैं कि खून एबी की आंख, नाक, कान और मुंह तक से बाहर निकल रहा है। जिसके बाद ओवन उसे अंदर आने की परमिशन देता है और ये कहता है कि वो आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और फिर ओवन उसे ये पूछता है कि अगर वो उसे अंदर आने की परमिशन नहीं देता तो क्या वो ऐसे ही मर जाती। जिसके बाद एबी ये कहती है कि उसे पूरा भरोसा है ओवन पर जो उसे मरने नहीं देता। और फिर ओवन एबी को नहाने के लिए अपना बाथरूम ऑफर करता है और अपने मॉम के कपड़े भी। जिस बीच ओवन की मॉम घर पर पहुंच जाती है और ओवन एबी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। जिसके बाद ओवन ये नोटिस करता है कि एबी खिड़की से ही कमरे से बाहर निकल गई और सीधे अपने घर पर चली गई है। जिसके बाद ओवन और एबी दोनों हंसते हैं। और हाँ, यहाँ पर ओवन ने एबी के खून के कपड़ों को भी ठिकाने लगा दिया है। जिसके बाद ओवन फिर से रात के वक्त घर से बाहर निकल जाता है, तब जब उसकी मॉम सो गई है, और वो यहाँ से सीधे एबी के घर पर जाता है। और सुबह के वक्त एबी फिर से एक नोट छोड़कर चली जाती है और ये लिखती है उस नोट में कि वो बाथरूम में ही है, लेकिन रात होने से पहले वो बाथरूम ना खोले और वो उसे रात को फिर से मिले ताकि वो लोग मिलकर मस्तियां कर सके। लेकिन इसी बीच एबी के घर के डोर पर फिर से नॉक होता है। इसके बाद ओवन चुपके से ये चेक करने जाता है कि दरवाजे के बाहर है कौन। जिसके बाद ओवन भी ये नोटिस करता है कि वही पुलिस ऑफिसर अब एबी के घर के बाहर खड़ा है। पर इस बार जब ओवन पीछे हटता है तो फर्श से आवाजें आती है, जिस आवाज को वो पुलिस ऑफिसर भी नोटिस करता है और वार्निंग देकर उस दरवाजे को सीधे तोड़ता है। जिसके बाद ओवन जाकर उस घर के अंदर कहीं पर छुप जाता है ताकि वो पुलिस ऑफिसर उसे ना ढूंढ पाए। जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर के हाथ में एबी की वही चिट्ठी लगती है। जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में एबी बाथरूम के अंदर है। और इस बीच वो पुलिस ऑफिसर ये भी नोटिस करता है कि एबी के घर में काफी सारे वॉलेट्स भी रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ वॉलेट उन्हीं शख्स के हैं जिनका मर्डर पिछले कुछ दिनों में इस टाउन में किया गया है। और उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर सीधे बाथरूम के अंदर जाता है, जहां पर बाथटब में वो ये नोटिस करता है कि कोई लेटा हुआ है जिस पर काफी सारे किसी ने कपड़े डाले हुए हैं। और जैसे ही वो उन कपड़ों को हटाता है तो कपड़ों के नीचे उसे एबी मिलती है जो सो रही है। और उस बाथरूम में काफी अंधेरा होने के कारण वो पुलिस ऑफिसर उस बाथरूम में लगी हुई विंडो की कांच पर से उन कार्डबोर्ड्स को निकालने की कोशिश करता है, जिनमें से वो कुछ हद तक पास होता है, जिस वजह से रोशनी अंदर आने के कारण एबी का पैर जलना शुरू हो जाता है और एबी की नींद टूट जाती है। लेकिन इससे पहले ही वहां पर ओवन पहुंचकर डिटेक्टिव को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसका मौका देखकर एबी सीधे उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर कूद जाती है और उसे काफी बेरहमी से वहीं पर मार देती है। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर में थोड़ी जान बची हुई होती है, जिसके बाद वो ओवन से मदद भी मांगता है, बट ओवन आगे आकर बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है और बाहर आकर अपने कान पकड़कर चुपचाप बैठ जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद एबी खून में लथपथ वहां पर आती है और उसे पकड़ लेती है, क्योंकि एबी को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, यानी ओवन का साथ। जिसके बाद एबी ओवन को किस करती है और ये कहती है कि अब टाइम आ गया है कि वो यहां से चली जाए, क्योंकि अब सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जिसके बाद ओवन अपने घर पर चला जाता है, जहां पर वो ये नोटिस करता है कि एबी टैक्सी पकड़कर इस टाउन से चली गई है और उसके साथ उसका वो ब्रीफकेस भी है, जिस ब्रीफकेस को वो टैक्सी ड्राइवर अपने साथ ले जा रहा है। और फिर हमें दिखाई जाती है कि उस अपार्टमेंट के उसी बेसमेंट के रूम में उस पुलिस ऑफिसर की लाश को छुपाया गया है। जिसके बाद ओवन बहुत ही ज्यादा रोता है और फिर शाम के वक्त वो पहुंच जाता है स्विमिंग क्लासेस, क्योंकि उसने अपनी स्विमिंग क्लासेस के टाइमिंग को बदल लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हर बार उसका सामना केनेथ और उसके दोस्तों से हो और वो लोग उससे बुली करें। और इस बार ओवन के टीचर जोरिक ये चाहते हैं कि अब स्विमिंग क्लासेस में ओवन भी स्विम करे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओवन अब स्विमिंग पूल में है और तैरने की प्रैक्टिस कर रहा है। और इसी बीच ओवन ने ये भी नोटिस किया है कि कैनली वहां पर आया हुआ है, जो शायद ओवन का ही वेट कर रहा था। जिसके कुछ देर बाद हमें पता चल जाता है कि केनेथ अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर यहाँ पर ओवन से हिसाब बराबर करने आया है। लेकिन इस बार केनेथ के साथ उसका बड़ा भाई भी है, जिसने ये प्लानिंग कर रखी है कि स्कूल के बाहर बड़े से कूड़ेदान में वो आग लगा देगा और फिर लेनी जाकर मिस्टर जोरिक को बुलाकर लेकर आएगा, ताकि वो आग बुझाने में लगे रहे और वो लोग यहाँ पर अपना काम करेंगे। और उनका प्लान वैसे ही सक्सेस होता है, जिसके बाद वो लोग स्कूल के बड़े डोर को बंद कर देते हैं और अंदर जाकर सभी के सभी बच्चों को चिल्लाकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। और अब ओवन को पता चल गया है कि उसकी हालत बुरी होने वाली है, जिसके बाद ओवन भी वहां से भागकर अपने लॉकर में से छोटी सी नाइफ निकालता है, जिससे उन लड़कों का कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद केनेथ का बड़ा भाई ओवन को घसीटते हुए स्विमिंग पूल के पास ले आता है और सभी लोग पकड़कर उसे स्विमिंग पूल के अंदर फेंक देते हैं। जिसके बाद केनेथ का बड़ा भाई ओवन को नाइफ दिखाता है और ये कहता है कि वो 3 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोके रहेगा और अगर वो बाहर आया तो वो उसे इसी नाइफ से मारेगा। जिसके बाद वो ओवन के बाल को पकड़कर उसे पानी में डुबाता है और 1 मिनट तक उसे पानी के अंदर ही रखता है। और अब केनेथ को ये चीज पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो अपने भाई को रुकने के लिए कहता है, लेकिन उसका भाई केनेथ को चिल्लाकर ओवन को पानी के अंदर डुबाकर ही मारना चाहता है। लेकिन फिर सिचुएशन बदलती है और हमें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर एबी पहुंच गई है, जो सही टाइम पर ओवन को वहां पर बचाती है और
और इन सभी बच्चों को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है, वो भी उनके टुकड़े टुकड़े कर। लेकिन ओवन ये सब देखना नहीं चाहता, इसीलिए ओवन स्विमिंग पूल के अंदर ही रहता है। जिसके बाद जब ओवन अंदर सांस नहीं ले पाता तब बाहर निकलता है और हमें बैकग्राउंड में कैनेट की वॉइस सुनाई देती है, जिसका चीर फाड़ एक्चुअल में अभी कर रही है। और फिर जैसे ही कैनेट पूल से बाहर निकल कर आता है तो उसके पास पूल में लतपत अभी पहुंच जाती है, जिसने उसे बचा लिया है। और अब इससे ओवन इतना ज्यादा खुश है कि ओवन बिना किसी को कहे घर से भाग गया है, वो भी अभी के साथ, जहां पर अभी उसी बॉक्स के अंदर बंद है क्योंकि दिन में अभी ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए ओवन को ही दिन में उसकी केयर करनी होगी। और अब ओवन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, जहां पर एक टीसी आकर उससे टिकट चेक करवाता है, जिसके बाद वो टीसी वहां से चला जाता है। और फिर से ओवन उसी नॉकआउट के हिसाब से अभी से बातें करता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर वेल तो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, जहां पर मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि अभी उन बच्चों को अपना शिकार बनाती है जो बच्चे बुरी हालतों से गुजर रहे होते हैं। जैसे ओवन का कैरेक्टर हमें इस फिल्म में दिखाया गया, जिससे ना तो सुकून अपने घर पर मिलता है और ना ही स्कूल में, और इसीलिए ओवन बाकी सभी बच्चों से काफी दूर रहता है। और वही हाल शायद जॉन के कैरेक्टर का भी था, क्योंकि फोटो में हमने जॉन को एक कमजोर बच्चे के रूप में देखा और उस टाइम पर भी एबी ने जॉन को इसी तरीके से यूज किया। और बड़े होने के बाद जॉन को ये बात पता चल गई कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, और इसीलिए वो इस फिल्म के एक सीन में ये भी कहते हैं कि अब वो थक गए हैं और वो ये सब और नहीं करना चाहते, बट उनके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था वरना शायद एबी उन्हें मार डालती। और हम उसी के साथ साथ ये भी चीज नोटिस करते हैं कि एबी का मन जॉन की तरफ से पूरी तरीके से भर गया था और अब उसे एक नया शिकार चाहिए था जो एबी की केयर कर सके, और उसे फिर ओवन मिलता है। और ये सिलसिला शायद एबी ने कई सालों तक चलाया है, जिस वजह से वो सर्वाइव कर पाई। यानी एक हिसाब से एबी ड्रैकुला की डॉटर है जो शायद अपने घर से भाग गई होगी, क्योंकि फिल्म में उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से नहीं की गई। लेकिन एबी को ये भी बात पता होगी कि उसके काटने से बाकी दूसरे लोग भी वैम्पायर बनते हैं, इसीलिए वो उनका खून पीने के बाद उन्हें जान से वहीं पर मार डालती है। और बात करें स्वीडन फिल्म की, तो स्वीडन फिल्म में चेंजेस अगर कहीं पर किए गए थे सीन के हिसाब से, तो वो सीन थे वर्जीनिया के हॉस्पिटल पहुंचने का, क्योंकि एबी के काटने से उसे इतना ज्यादा जख्म नहीं होता। लेकिन कभी कभी वो नोटिस करती है कि उसके हालात बदल रहे हैं, मानो जैसे कि उसे दिन में निकलने से प्रॉब्लम है और वो धीरे धीरे बदल रही है। लेकिन वो हॉस्पिटल में तब पहुंचती है जब कैट्स मिलकर जब वो अपने हस्बैंड के घर पर जाती है, तो उसके हस्बैंड के घर पर काफी सारी कैट्स होती है, जो कैट्स वर्जीनिया पर हमला कर देती है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जहां पर वर्जीनिया ये डिसाइड कर लेती है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती और मर जाएगी। जिसके बाद वो नर्स को हॉस्पिटल के पर्दे को खोलने के लिए कहती है, जिसके बाद वो वहीं पर जल जाती है। और बात करें जॉन के कैरेक्टर की, तो जॉन के कैरेक्टर की मौत जिस तरीके से हमें फिल्म में दिखाई गई है वो एक एक्सीडेंट के कारण होती है, लेकिन स्वीडन वर्जन वाली फिल्म में जॉन खुद की ही जान लेते हैं। तब जब उन्हें आखिर में ये पता चल जाता है कि एबी ने उन्हें बस सिर्फ और सिर्फ यूज किया, जिसके बाद जब वो एक शख्स को मारने वाले होते हैं तो वो उसे नहीं मारते और टॉयलेट में बैठकर खुद के ही मुंह पर एसिड डाल लेते हैं। वेल तो ये माइनर से चेंजेस थे इन दोनों फिल्म में, बाकी पूरी की पूरी फिल्म शॉट बाय शॉट रीमेक है। और हाँ, इस फिल्म का सीक्वल नहीं बनेगा, क्योंकि कहानी को पूरी तरीके से कंप्लीट किया गया है इस फिल्म में। और बात रही एबी की कि एबी इतनी छोटी क्यों है और वो इतने सालों से बड़ी क्यों नहीं रही, तो सभी को पता है कि वैम्पायर्स की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होती है और एबी भी यहाँ पर बच्ची है जो जल्दी नहीं बढ़ती, और शायद उसे बढ़ने के लिए अभी भी काफी ज्यादा टाइम है। और डेफिनेटली जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे बाकी किसी के भी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। और हाँ, एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है। वेल तो ये था लेट मी इन फिल्म का पूरा प्लॉट इसकी एंडिंग एक्सप्लेन के साथ। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई थी, और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।